छत्तीसगढ़ के मानसून की, तो छत्तीसगढ़ में आज राहत गर्मी से लोगों को मिल सकती है। आज अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना दर्ज की गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, तेज हवा के हालात बने दिखाई दे रहे हैं। तो पश्चिम, उत्तर पश्चिमी में चक्रवात एक्टिव हुआ है, तो पश्चिम, मध्य और उत्तर पश्चिमी में इस चक्रवात की वजह से अब लोगों को थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल सकती है। आज अधिकतम जो तापमान है उसमें गिरावट की संभावना होगी। आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर लू और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन अब उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और तेज हवा के भी हालात बनते नजर आ रहे हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में अगर हालिया मौसम की बात करें तो लू और गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन जिस तरह से अब संभावना जताई जा रही है कि तापमान में आज गिरावट भी हो सकती है, बारिश भी कई जगहों पर हो सकती है, किस तरह का अपडेट मौसम विभाग ने दिया है? जी दिनेश, बिल्कुल। देखिए, मैं यदि गर्मी छत्तीसगढ़ में गर्मी की बात करूं तो आज थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। सुबह इस दौरान जो है तेज धूप और तपिश से लोग परेशान रहते थे, लेकिन अभी 9 बजे का समय हुआ है और लोगों को हल्की राहत मिल रही है। और मौसम विभाग के माने तो 23 तारीख यानी कल तक जो है मानसून जो है वो छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है। और खास बात ये रही है कि कल मौसम विभाग ने जो कहा था कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी, उसके बाद झमाझम बारिश हुई है। पारा जो है, कई ऐसे जिले थे जहां पारा 45 डिग्री के पार हो गया था, अब उन जिलों में और प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पारा जो है वो 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया। मतलब 4 डिग्री तक के मौसम में गिरावट आई है, जो गर्मी थी उसमें गिरावट आई है। और आज भी ठीक इसी तरीके का मौसम बने रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। जो चक्रवात बना हुआ है, चक्री चक्रवात, उसका असर देखने को मिलेगा और प्रदेश के कई ऐसे जिले रहेंगे जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश और छींटे पड़ने के साथ ही साथ वज्रपात की भी संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जाहिर की है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब तेज गर्मी और लू से राहत मिलती नजर आ रही है। जी दिनेश, चलिए शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। तो अब थोड़ी सी छत्तीसगढ़ में राहत तब मिल सकती है जिस तरह से जो मौसम की संभावनाएं अब दिखाई दे रही हैं, और खास करके आज सुबह से जो मौसम हुआ उसके बाद से लोगों को जरूर राहत मिल रही होगी। चलिए अब